हमारा ही धरती माँ हो गया, हमारा सूर्य देवता हो गया, सिंह मुंगा हो गया, हमारा वृक्ष जो है, हमारा पहाड़ का देवता है, जंगल का देवता है, उद्गम स्थल है सरहुल का, सरहुल शोभा जुलूस का, उससे में हम लोग निकलेंगे 1 बजे। और जो नृत्य संगीत जो हम पहले करते थे, जो हमारा जो अपना जो है वाद्य यंत्र हो गया, हमारा जो ढोल नगाड़ा सहनाई तुरी सुरी हमारा मांदर, ये चीज अभी थोड़ा सा कम हो गया है। जो पूजा किया हुआ जो मुर्गा मुर्गी होगा उसको हम लोग टहरी बनाते हैं, खिचड़ी जिसको आप कहते हैं, और ये तो विशेष एक मैंने प्रकृति का पूजा पर्व है, और इसमें तो पहन का ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा उसका मैंने की भूमिका रहता है। प्रकृति पर्व सरहुल एकदम नजदीक है, कल से पूजा की जो मेन तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। सरहुल के आने का संकेत हमें आसपास के लगे झंडों से मिल सकता है, जो लाल और उजले रंग के झंडे हैं वो हर ओर लगने शुरू हो जाते हैं सरहुल आने से पहले ही। आज ये जो केंद्रीय सरना स्थल है यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं आप देख सकते हैं, जो मेन जो सरना स्थल है उसकी रंगाई हो चुकी है, झंडे लग रहे हैं, आसपास जो इलाका है वो पूरा साफ सुथरा कर लिया गया है, सुरक्षा के जो पूरे पाबंद है, सुरक्षा की पूरी चीजें हैं वो कर ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट लगाया गया है, ये दो दो टेंट है, इसी में जो पूजा होंगे जो लोग देखने आएंगे वो यहाँ बैठ सकते हैं। आज शाम से आज रात से ही जो पूजा की जो विधि है वो शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। कल हम लोग जो पूजा करेंगे जो सरहुल का, तो वो भी हम लोग मैंने की 5 मुर्गा मुर्गियों का बलि देते हुए करेंगे पूजा। हम लोग का विशेष करके जो है कि तपावन का भी है, बलि तो देते ही है, तपावन भी देते हैं, जल देते हैं, जो साल का जो पवित्र फूल है उसको चढ़ाते हैं, और प्रकृति के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, और प्रकृति बचाने का भी हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि प्रकृति को हम लोग कैसे बचाए, वो ये सब हम लोग पूरा और सबों के जितने भी इस सृष्टि में जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं उन तमाम लोगों के खुशहाली के लिए, अच्छी बारिश के लिए, अच्छा वो हमारा जो धान वगैरह हो, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग जो सृष्टि करता हमारा सिंह मुंगा है, और ये प्रकृति के तमाम इष्ट देव जो हमारे हैं, हमारा ही धरती माँ हो गया, हमारा सूर्य देवता हो गया, सिंह मुंगा हो गया, हमारा वृक्ष जो है, हमारा पहाड़ का देवता है, जंगल का देवता है, हमारा ग्राम का देवता, हमारे पूर्वज जो हैं, उन तमाम लोगों से हम लोग अर्जी विनती करते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए। तो इस तरह से हम लोग पूजा को हम लोग कल का पूजा को हम लोग समाप्त करेंगे, और हम लोग जो पूजा किया हुआ जो मुर्गा मुर्गी होगा उसको हम लोग टहरी बनाते हैं, खिचड़ी जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन उसको टहरी खिचड़ी अलग चीज़ होता है, तो उसको बना के हम लोग तमाम लोग जो जितने भी लोग आएंगे उसका सेवन करेंगे, और 1 बजे हम लोग तो इससे जो उद्गम स्थल है सरहुल का, सरहुल शोभा जुलूस का, उससे में हम लोग निकलेंगे 1 बजे, और इसका जो हमारा जो रूट है रास्ता जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे गैरिसन चौक, सैनिक चौक, सैनिक चौक कचहरी चौक होते हुए हम लोग चल जाएंगे शहीद चौक, शहीद चौक से अल्बर्ट टेका चौक, अल्बर्ट टेका सुजाता चौक, वहाँ से क्लब रोड पकड़ के हम लोग सिरमटोली जुलूस का रास्ता है। हाँ, ये मुख्य रास्ता है, मुख्य रास्ता इसी रास्ता में लोग मिलते मिलते हुए जाते हैं, एक काफिला बन जाएगा। सरना स्थल की बात करें तो पूरा रंग पुताई हो चुका है, आसपास झंडे वगैरह भी लगी रहे हैं, साफ सफाई पूरा हो गया, कब से पूरी तैयारियाँ चल रही थी? ये तैयारी हम लोग का मैंने कि 7 दिन से ये यहाँ का जो साफ सफाई का है, अन्य तैयारियाँ तो हम लोग का घर में रंग रोगर या अन्य जो भी है तैयारियाँ 15 दिन से ये चल रहा है। लोग हमारे जितने भी बाहर जो चल गए हैं दूसरे राज्य में कुछ नौकरी पेशा करने के लिए, वो लोग भी अपना तैयारी में वो लोग भी लौटना शुरू हो गए हैं, अब लौट चुके होंगे, समय ना लौट चुके होंगे। अच्छा, एक मौसम का अभी देखा जाए तो पिछले 2-4 दिनों पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, और अभी मौसम इतना साफ हो गया है, ये भी एक संकेत है सरहुल के। हाँ, देखिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के लिए जिसे शोभा जुलूस में निकलने में हम लोग को दिक्कत है, इस तरह का मौसम अगर प्रकृति मेहरबान होगी तो हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भव्य रूप से हम लोग अपना कला का प्रदर्शन करते हुए हम लोग शोभा जुलूस में अच्छा ढंग से पहुँच सकते हैं, पहुँच सकते हैं। अच्छा, आप बहुत लंबे समय से, आप तो आपकी उम्र भी इतनी हो गई है, क्या बदलाव आया है सरहुल को मनाने में, तो कोई आया है छोटा मोटा बदलाव भी सरहुल पहले के और आज के सरहुल में?
देखिए पहले तो खैर हम लोग मैंने कम मात्रा में निकलते थे, काफ़ी निकलते थे उस समय भी। कहने का मतलब कि रांची के ही नहीं, रांची के बाहर के भी लोग आते थे, ज़्यादा संख्या में आते थे। और पहले जो ये जो झंडा उंडा इस तरह का जो हम लोग अपना ग्राम में जो तो देखते हैं ये झंडा, तो उस तरह से ये झंडा अन्य झंडा भी लगता था, लेकिन कम मात्रा में लगता था। लेकिन अभी सरहुल के उपलक्ष्य में हर टोला मोहल्ला के हर गली रोड में पूरा ये झंडा से मने कि ये जो तीन कलर का दो कलर का सलाल सफेद झंडा है उसको चारों ओर आपको जहाँ तक आपको नज़र जाएगा रांची के क्षेत्र में या देहात में, तो सभी जगह मने बहुत ज़्यादा झंडा आजकल चला हुआ है उसको, मने इससे लोग जानते हैं कि सरहुल पूजा आ गया है। साथ ही साथ में ये बदलाव आया है अभी कि जो हम पहले जो हम लोग का था कि बड़ा बड़ा झंडा हम लोग लेके जाते थे, जैसे रामनवमी का झंडा होता था, तो वो झंडा आज हम नहीं ले जाते। ये छोटा वाला झंडा हम अपना जो वाहन जो है तो उसमें हम लोग उसको ले जाते हैं, हाथ में पकड़ के जाते हैं। और जो नृत्य संगीत जो हम पहले करते थे, जो हमारा जो अपना जो है वाद्य यंत्र हो गया, हमारा जो ढोल नगाड़ा सहनाई तुरी सुरी हमारा मांदर, ये चीज़ अभी थोड़ा सा कम हो गया है। उसके जगह में यहाँ पर डीजे का थोड़ा ज़्यादा प्रचलन हो गया है, ये बदलाव आया है। अभी जो हम रोड में चलते थे तो हमारा जो अपना जो हमारा नृत्य और संगीत जो होता था उसको प्रदर्शन हम लोग रोड ही रोड में रास्ता रास्ता में करते हुए हम लोग जाते थे अपने खुड़ा के साथ में, अपने टीम के साथ में। अभी हो गया कि डीजे में हम कुछ नहीं, हमको जैसा भी कोई सिस्टमेटिक ढंग से हम कुछ नहीं करते हैं, अनुशासन में नहीं करते हैं। हमको पैर चला रहा है तो पैर हाथ जहाँ जिसको मर्जी है वो अपना ढंग से कर, लेकिन ये नृत्य में हमको अनुशासित ढंग से हमको एक साथ पैर चलाना है, हाथ को आगे पीछे जो भी है, लय में गाना गाना है तो एक लय में गाना है, लेकिन डीजे में जिसको जो बुझा रहा है सो कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो कुछ जो हमारा संस्कृति है, हमारे जो परंपरा है, वो सब थोड़ा सा अभी लुप्त हो रहा है, हमारा वाद्य यंत्र लुप्त हो गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और अच्छा हुआ है क्या कि अभी जो परिधान है उसमें लोग इस तरह का जो है जो हमारा जो परिधान अपना जो है लाल पार का जो या पीला साड़ी हो गया, लाल साड़ी पार का साड़ी हो गया, इस तरह का जो एक पहनावा है हर्रा, तो ये पहनावा अभी हर ये आपको हर सरहुल के अभी के मौसम से आज से ही आपको ये नज़र आएगा कि लोग मने कि लाल पार का साड़ी है, बंडी लगा लिए हैं, खलिता लगा लिए हैं, ये आज शुरू होगा, कल बृहद रूप में पूरा रांची में बस यही एक हमारा परिधान नजर आएगा। प्रमुख रूप से आदिवासी समाज का ये मान रहता है, लेकिन जो गैर आदिवासी हैं उनका भी क्या इसकी ओर जुड़ाव आ रहा है या फिर बदल समय के साथ और बढ़ते जा रहा है उनका भी लगाव? देखिए ये झारखंड का ये पर्व आप इसको कल तक था झारखंड का ये त्यौहार था सरहुल, लेकिन आज ये जहाँ भी हमारा जो आदिवासी समुदाय है देश के कोई भी क्षेत्र में तो वो लोग सरहुल को पूजा करते हैं, वहाँ भी करते हैं, ऐसे बात नहीं है कम संख्या में, लेकिन लोग वहाँ भी करते हैं। आप जाइए दिल्ली बॉम्बे जहीं कहीं भी हमारा जो भी है आदिवासी लोग तो वहाँ लोग सरहुल का पूजा वहाँ भी करते हैं। और यह रही बात जो गैर आदिवासी का, देखिए तो ये जो है झारखंड में हमारा मने कि आदिवासी और मूलवासी जो है और वो दोनों साथ में हर कुछ मनाते हैं और वो भी सरहुल को बढ़ चढ़ के वो लोग मनाते हैं। विधि विधान है हमारा जो कर्तव्य होता है, हमको पूजा पाठ तो नहीं करते हैं लेकिन इस तरह का आयोजन में पूर्ण उसका सहयोग रहता है, चाहे वो शोभा जुलूस हो या अन्य कोई भी कार्य होता है तो मूलवासी का भी विशेष सहयोग होता है, बढ़ चढ़ को भी हिस्सा लेते हैं, समाज लेते हैं। एक सवाल और रहेगा, पहान का कितना बड़ा रोल होता है सरहुल में? देखिए पहान जो हम लोग का समाज में उसका बहुत बड़ा उसमें भूमिका होता है, समाज के दिशा निर्देश देने का काम, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक, सब पहान के द्वारा ही संचालित होता है, उसी का दिशा निर्देश में सब काम होता है। और विशेषकर ये सरहुल जो है, सरहुल कहने का मतलब ये कोई भी पूजा हो चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी जो भी हमारा जो है कार्यक्रम होता है या हमारा जतरा सेंद्रा होता है, तो हर जगह मैंने आदिवासी समाज में बोलिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके बीच में जितने भी कोई कार्यक्रम होता है सामाजिक मंगल कार्यक्रम, तो वो तमाम चीज़ पहान के द्वारा ही किया जाता है। और ये तो विशेष एक मैंने प्रकृति का पूजा पर्व है और इसमें तो पहान का ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा उसका मैंने कि
भूमिका रहता है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। प्रकृति से वो तमाम लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि के लिए वो अपना जो इष्ट देव होता है, जो कि हम लोग का ये विश्वास है, हमारे पूर्वज करते हैं कि हमारा ये सरना स्थल में चैत तृतीया के दिन में यहाँ पर जितने भी ये प्राकृतिक हमारा जो देवी देवताएं हैं उनका वास होता है, इस तरह का वो लोग का विश्वास था। और साल में हम लोग एक ही दिन करते हैं, उसी दिन मैंने कि ये विश्वास के साथ में कि आज के दिन में हमारा तमाम इष्ट देव हमारा इस पवित्र सरना स्थल में मौजूद हैं, ये उनका विश्वास था। और उनसे अर्जी विनती उसको अच्छी करते सुमरते थे, उससे अर्जी विनती करते थे। और इस तरह का कार्यक्रम बहुत भूमिका है, पहन का बहुत अहम भूमिका है। सरहुल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कल से ये महापर्व शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप गाना बजाना और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं सरहुल से जुड़ी उसका आनंद ले पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।